और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष में स्थापित 35 प्रेशर स्विंग एडजम्पशन ऑक्सीजन संयंत्रों को उद्घाटन कर उसे राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया है। देश में अब तक की बात करें तो कुल 1224 PSA ऑक्सीजन संयंत्रों को पीएम केयर्स कोष के से राशि उपलब्ध कराई गई है। इनमें से 1100 PSA ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। अगर बात करें 1750 मीट्रिक टन से अधिक जो ऑक्सीजन है हर रोज मिल सकती है इससे। उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स में आयोजित कार्यक्रम के मौके पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि आज से नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो रहा है। आज प्रथम दिन है, माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री हिमालय पुत्री हैं और आज के दिन मेरा यहाँ होना, यहाँ आकर मिट्टी को प्रणाम करना, हिमालय की इस धरती को प्रणाम करना, इससे बड़ा जीवन का कौन सा धन्य भाव हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन प्लांट्स के शुरू हो जाने से अब देश के दूर दराज वाले जो इलाके हैं उनमें नए जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने ये भी कहा है मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन का तेजी से बड़ी मात्रा में निर्माण हो रहा है और पीएम ने ये भी कहा है कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोविड पर काबू पाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने जो भी काम किया है वो हमारी संकल्प शक्ति, हमारे सेवा भाव, हमारी एकजुटता का प्रतीक है। कोरोना से लड़ाई के लिए हमारी तैयारी और पुख्ता हो इसके लिए देश भर में PSA ऑक्सीजन प्लांट्स का नेटवर्क तैयार हो रहा है। बीते कुछ महीनों में पीएम केयर द्वारा स्वीकृत 1150 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट्स काम करना शुरू कर चुके हैं। पीएम केयर्स के सहयोग से बने इन ऑक्सीजन प्लांट्स को जोड़ लें तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सभी के प्रयासों से देश को करीब 4000 नए ऑक्सीजन प्लांट्स मिलने जा रहे हैं। ऑक्सीजन की चुनौती का मुकाबला करने में अब देश और देश के अस्पताल पहले से कहीं ज्यादा सक्षम हो रहे हैं। साथियों, ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है कि कोरोना वैक्सीन की 93 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। बहुत जल्द हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएंगे। पहाड़ हो या रेगिस्तान, जंगल हो या समंदर, 10 लोग हो या 10 लाख, हर क्षेत्र तक आज हम पूरी सुरक्षा के साथ वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। इसके लिए देश भर में 1,30,000 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहां राज्य सरकार के प्रभावी मैनेजमेंट की वजह से उत्तराखंड भी बहुत जल्द 100% पहली डोज का पड़ाव पूरा करने वाला है। गरीबों को पक्का घर हो, बिजली, पानी, शौचालय और गैस कनेक्शन हो, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन हो, किसानों के बैंक खाते में सीधे हजारों करोड़ रुपए भेजने हो, पेंशन और बीमा की सुविधा हर भारतीय तक पहुंचाने के प्रयास हो, जनहित के ऐसे हर लाभ इसी वजह से तेजी से सही हकदार तक पहुंचे हैं। आयोजित खास कार्यक्रम जहां 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 PSA संयंत्र शुरू होने जा रहे हैं। हिंदुस्तान को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक